हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दिल्ली की सबसे खूबसूरत और बड़ी झील भलसावा झील। दोस्तों, यह है भलसावा लेक जो दिल्ली के मुकुंदपुर जगह पर स्थित है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि यहां पे आप कैसे पहुंचें, क्या टाइमिंग है, यहां पर आप क्या कर सकते हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस झील के बारे में दूँगा, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए, अब मैं आपको झील की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों, मैं झील पर पहुँच चुका हूँ, आप सामने देख सकते हो कितनी खूबसूरत ये जगह और ये झील है। दोस्तों, आप देख सकते हो झील के किनारे, आप देख सकते हो मकान भी बने हुए हैं। यह झील दिल्ली के मुकुंदपुर जगह पर स्थित है। मुकुंदपुर के आसपास जगह हैं जैसे जहांगीरपुरी, बुराड़ी, समयपुर बादली, इन जगहों से यह झील थोड़ी ही दूर पर है। यहां पर आप दिल्ली के लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो, DTC बस, मेट्रो और प्राइवेट कैब के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से यहां पहुंच सकते हो। इस झील के नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो है जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन और मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन। जहांगीरपुरी सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से इस झील की दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है और मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन से समथिंग 3 किलोमीटर है। आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर से ही बैटरी रिक्शा और दिल्ली के लोकल ऑटो आपको मिल जाएंगे झील तक के लिए। डायरेक्ट आप बुक करके डायरेक्ट पहुँच सकते हो। आपसे बैटरी रिक्शा वाला या ऑटो वाला 50 रुपये या 60 रुपये चार्ज लेगा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आपको कश्मीरी गेट बस अड्डे से और आज़ादपुर से डायरेक्ट बस यहां के लिए मिल जाएंगी। और इस झील के नज़दीकी जो बस स्टैंड है वो है भलसवा क्रॉसिंग बस स्टैंड। अगर आप कभी भी बस से आएंगे तो आपको भलसवा क्रॉसिंग बस स्टैंड पर उतरना होगा। उस बस स्टैंड से इस झील की दूरी लगभग 40-50 मीटर रह जाती है, आप पैदल 3-4 मिनट में पहुँच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको झील में बोटिंग करनी है तो आपको यहां से टिकट लेनी होगी बोटिंग के लिए। तो आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या प्राइस है बोट का। ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, यह है टिकट काउंटर। यहां पर पैडल बोट का 130 रुपये है। 130 रुपये में आप पैडल बोट पूरी बुक कर सकते हो, उसमें 4 आदमी बैठ सकते हैं। अगर यहाँ पे आप अदर बोट बुक करते हैं जैसे मोटर बोट, स्पीड बोट, उनका अलग अलग प्राइस है, जैसे 400 रुपये, किसी बोट का 600 रुपये। जिस बोट में आप घूमना चाहते हैं उस बोट की आप टिकट ले सकते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो कितनी सारी बोटें हैं यहाँ पे। यहीं से आपको बोट पर बैठाया जाएगा। एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखें दोस्तों, ये झील 15 फुट गहरी है, इसलिए कूदने का प्रयास ना करें। दोस्तों, वैसे तो ये झील 24 घंटा खुली रहती है, आप यहाँ पे किसी भी समय किसी वक्त आ सकते हैं। अगर आप बोटिंग करने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आप यहां पे सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में कभी भी आ जाएं, आपको बोटिंग करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप कभी बीच पर नहीं गए हो तो आप यहां पे आ सकते हो, आपको यहां पे ऐसी फीलिंग लगेगी कि आप किसी समुद्र किनारे किसी बीच पर बैठे हैं। आप खुद देख सकते हो कि ये झील कितने बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील पर आने का सबसे अच्छा समय रहता है मॉर्निंग का और इवनिंग का। आप कभी भी यहाँ पर आएँ, मॉर्निंग में आएँ या तो फिर इवनिंग में आएँ, क्योंकि उस समय यहाँ पर झील किनारे लोगों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, शुद्ध वातावरण रहता है, काफ़ी अच्छा नज़ारा रहता है उस समय यहाँ पर। अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो यहाँ पे। दोस्तों, एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, मैं आपको वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको बोटिंग करनी है, बोटिंग करने के पर्पज़ से अगर आप आ रहे हैं तो आप 11 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आइएगा, क्योंकि 11 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ही बोटिंग कराई जाती है। अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा। आपको मैंने इस झील के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा ऐसी खूबसूरत जगह और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय और धन्यवाद।